वेलकम टू सबिलास किचन। आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल और ये स्प्रिंग रोल बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। चिकन के साथ यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ डाल रही हूँ, जो भी सब्जी आपके पास आसानी से अवेलेबल है डाल सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं चिकन स्प्रिंग रोल। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन और इसको मैंने बॉईल कर लिया है और हाथों से शेड कर लिया है। एक शिमला मिर्च है, इसको मैंने जूलियन चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ की गाजर है, इसको भी जूलियन चॉप कर लिया है। एक प्याज है, इसको मैंने फाइन चॉप किया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च का पाउडर। 4 से 5 है हरी मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, इसको भी फाइन चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून है वाइट विनेगर सफ़ेद का और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पर सोया सॉस। स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम लहसुन डाल देंगे, हल्का सौते करेंगे, साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे व्हाइट विनेगर, नमक डाल देंगे, स्टफिंग को हमें बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मैंने इसको कुक किया है। बस हमें इतना ही कुक करना है कि इसमें मॉइस्चर ना रहे। सभी स्पाइसेस को मिक्स कर देंगे अच्छे से। स्टफिंग में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस नहीं है तो टोमेटो सॉस के साथ आप थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, यहाँ पर मेरे पास है स्प्रिंग रोल शीट, आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने मैदा ली है, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए शीट लेंगे, फिर स्टफिंग रखेंगे, फोल्ड करेंगे, जो हमने ग्लू तैयार किया है इसको लगा लेंगे। तो इस तरह से हम ये स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी स्प्रिंग रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं, किसी भी जिपलॉक बैग में या एयरटाइट बॉक्स में आप इसको रखकर फ्रिज में रख सकते हैं इस तरह से, और 1 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्प्रिंग रोल अब हमें फ्राई करने हैं, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है तो इसके ऊपर अब हम कोटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 1 अंडा लिया है, इसको बीट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। स्प्रिंग रोल को पहले हम अंडे में डिप करेंगे, अच्छे से अंडे में डिप करने के बाद इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, तो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने स्प्रिंग रोल को कोट कर लिया है। इसी तरह से मैं सारे स्प्रिंग रोल कोटिंग कर लूँगी। स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। सभी स्प्रिंग रोल हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक उनको फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, अब इसको हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हैं चिकन स्प्रिंग रोल, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। आप इसको रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।